गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं पंडित अनुराग गुरुजी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज बताएंगे कि काल सर्प की दोष की पूजा कहां पे करनी चाहिए, कितना खर्चा आता है, पूजा का क्या समय होता है, मुहूर्त क्या होता है और इसकी विधि कौन कौन सी की जाती है। तो सबसे प्रथम में जो है काल सर्प दोष की पूजा जो होती है वो पूरे भारत में त्र्यंबकेश्वर भूमि में की जाती है। करने के लिए कई सारे लोग उज्जैन में भी करते हैं, पर ज़्यादा महत्व शास्त्र में बताया गया है कि काल सर्प दोष की पूजा त्र्यंबकेश्वर में ही करनी चाहिए, क्योंकि जो काल सर्प दोष लगा हुआ था वो त्र्यंबकेश्वर भूमि में लगा था, तो उसका निवारण वहीं पर किया जाता है। जिसमें सबसे प्रथम में पंडित जी से व्हाट्सएप पे मुहूर्त मंगवा लेना है, एक डेट फिक्स करके त्र्यंबकेश्वर आना है। जिसमें विधि होती है, सबसे प्रथम में कुशावर्त कुंड जाना है। कुशावर्त कुंड में जाने के बाद में स्नान करना है और जो पूजा में लाने बैठने के लिए वस्त्र लेकर के आए हैं उसको वस्त्र को धारण करना है और पंडित जी के आश्रम में जाना है। आश्रम में जाने के बाद में सबसे प्रथम में देवादिदेव महादेव जी का अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक पूर्ण होने के बाद में सबसे प्रथम में गणेश जी का पूजन, कलश पूजन, पुण्यावाचन पूजन, कुल देवी पूजन, षोड़श माँ दुर्गा पूजन और पितृ पूजन किया जाता है, जिसे हम नांदी श्राद्ध पूजन कहते हैं। उसके बाद में अष्टदल का पूजन होगा, नवग्रह पूजन और लास्ट में देवादिदेव महादेव जी का पूजन होगा। उसके बाद में आपके पूजा में 9 चांदी के नाग रहेंगे, राहु केतु की मूर्ति रहेगी, उनका अभिषेक पंचोपचार करके हवन करके और आपके हाथ से जो है चांदी के नाग नागिन विसर्जन किए जाएंगे। ऐसी पूजा की विधि होती है और जानकारी के लिए नीचे संपर्क करें पंडित अनुराग गुरुजी से। ओम नमः शिवाय।